मानसून के पहले स्किन के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। जिला अस्पताल में स्किन के मरीजों के लिए ओपीडी प्रारंभ कर दी गई है। गौरतलब है कि कोविड 19 वैश्विक महामारी के संक्रमण के बाद जिला अस्पताल की सभी ओपीडी बंद कर दी गई थी। वहीं फ्लू कॉर्नर ओपीडी चलाई जा रही थी। इसके पश्चात आर्थो के बढ़ते मरीजों को देखते हुए आर्थो की ओपीडी शुरू हुई। वहीं अब चिलचिलाती गर्मी, उमस और लगातार बदलते मौसम के चलते फंगल इन्फेक्शन ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। वहीं स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला चिकित्सालय में स्किन की ओपीडी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने बताया। हमारी ओपीडियाँ जो पहले चल रही थी वही चल रही हैं। कुछ स्किन के पेशेंट जो है वो थे, उसको सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए स्किन की ओपीडी जो है वो चलती है। डॉक्टर को दिखाने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए गार्ड की भी तैनाती की है। यहाँ पर गार्ड की तैनाती है। गार्ड जो है प्रॉपर जो है डिस्टेंसिंग कराता है। साथ में हमारा जो है वॉइस के द्वारा जो है स्पीकर के द्वारा जो है लोगों को आगाह किया जाता है। जो मेरा एक यहाँ चलता है पुराने ओपीडी विंग में और एक नए ओपीडी के पास और इमरजेंसी के पास वर्क करता है, जिसके द्वारा जो है उद्घोषणा करते हुए वो बताता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। जहाँ भीड़ रहती है उस भीड़ को जो है अलग करने के लिए चेतावनी देता है। और साथ में जो सैनिटाइजेशन या सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क के बारे में प्रचार भी करता है। हमारी संख्या करीब 750-700 के आसपास रोज मरीज देखे जाते हैं, जो विभिन्न ओपीडीओ में देखे जाते हैं।